तो इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री बागपत पहुंचे हैं। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देश को समर्पित करेंगे और आपको अगर इस एक्सप्रेसवे के बारे में बताएं तो लगभग 11,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बना है और इसका भी काफी ज्यादा फायदा होगा। और इसकी एक और खास बात यह है कि 500 दिन में बना, रिकॉर्ड टाइम में ये बना है और ये एक अपने आप में बड़ी बात है। और 135 किलोमीटर है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसमें करीब 50,000 मालवाहक जो कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्य में जाते हैं, उन्हें अब अपना मार्ग उनका बदल जाएगा, यानी कि दिल्ली के अंदर से होकर उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। तो फिलहाल बागपत पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, थोड़ी ही देर में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो तस्वीरें देखिए आप, बागपत की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, साथ में मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, राज्यपाल भी हैं उत्तर प्रदेश के और तमाम कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी मंच पर साथ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। बस थोड़ी देर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन आज हो जाएगा और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है सड़क मार्ग को लेकर।